व्हेन यू आर अप्लाइंग स्वीडन यू नीड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन. तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आपने फीस पे करके सबमिट कर दिया तो आप क्यू में लग गए हो. अगर आप फीस नहीं पे करते और क्यू में नहीं लगते तो आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगी. ओ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. आई एम वेरी हैप्पी. आई एम गोइंग टू शेयर अ बिग न्यूज विद यू गाइज. बिफोर आई प्रोसीड टू अ बिग न्यूज अबाउट स्वीडिश एम्बेसी आई वॉन्ट टू शेयर फ्यू थिंग्स. सबसे पहली बात जो है वो आज की वीडियो में वो है ट्यूशन फी पेमेंट से रिलेटेड. ट्यूशन फी पेमेंट से रिलेटेड मेरे से पूछा गया कि किस तरह से हम पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में ट्यूशन फी पेमेंट कर सकते हैं. तो सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि आप अपने बैंक में जाएं और उन्हें कहें कि हमने अपनी ट्यूशन फी पेमेंट करनी है. तो बहुत सारे बैंक जो हैं वो आपकी हेल्प कर देंगे. कुछ बैंक आपको कहेंगे कि आप कि जो डेबिट कार्ड है उसको यूज़ करते हुए आप अपनी जो ट्यूशन फी है वो दी दो तीन पार्ट्स में कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी ट्यूशन फी है लाइक 60,000 स्वीडिश क्राउन या 40,000 स्वीडिश क्राउन. तो इसको आप तीन हिस्सों में डिवाइड करके तीन बार पेमेंट्स कर सकते हैं. अगर आपकी बैंक की ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑनलाइन पेमेंट की कैपेसिटी या लिमिट जो है वो वन गो में आपको अलाउ करती है तो आप वन गो में भी फीस पेमेंट कर सकते हैं. अगर नहीं तो फिर आप दो तीन हिस्सों में कर दें. व्हाई आई एम रिकमेंडिंग टू यूज़ योर ओन अकाउंट द रीज़न इज़ वेरी सिंपल. इफ़ समथिंग हैपन यू डोंट गेट वीज़ा और यू चेंज योर माइंड यू नीड टू गेट बैक योर ट्यूशन फी. इफ़ यू यूज़ योर बैंक अकाउंट देन इट इज़ ईजी टू गेट बैक योर ट्यूशन फी इन टू योर अकाउंट. इसके अलावा अगर आप के कोई रिलेटिव्स हैं जो कि अब्रॉड में हैं तो वो सबसे बेस्ट मेथड है कि आप उनको कहें और दो या तीन दिन में आपकी फ़ी पेमेंट हो जाएगी. इसके अलावा थर्ड मेथड है करेंसी एक्सचेंज का. अगर आप किसी भी करेंसी एक्सचेंज पे चले जाते हैं उनको जाकर आप कह सकते हैं कि मैंने ट्यूशन फ़ी पे करनी है तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं. जब मैं स्वीडन गया था तो मैंने भी जो है वो करेंसी एक्सचेंज वालों से ही हेल्प ली थी. लेकिन आप कोशिश ये करें कि अपनी फीस यूरो में पे करें, फिर आपको जो ट्रांसफ़र फीस है वो कम चार्ज होगी. अगर आप स्वीडिश क्राउन में पे करेंगे देन यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी जस्ट फॉर द ट्रांसफ़र. जब आप वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पासपोर्ट चाहिए. कल ही मेरे से एक स्टूडेंट ने पासपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो उसके से मुझे एक आइडिया हुआ कि बहुत सारे लोगों का पासपोर्ट भी रिन्यू होने वाला है या बहुत जल्दी जो है वो उसकी वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है. तो इट्स बेटर आई शुड गिव यू एडवाइस ऑन दिस. अगर आपका पासपोर्ट जो है वो 2 साल बाद एक्सपायर हो रहा है तो फिर भी मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप अपने पासपोर्ट को रिन्यू कर ले. अभी आपके पास 1 महीना है. 1 महीने के बाद आपने जो है वो एम्बेसी में अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो अप्लाई करनी है. तो बेहतर यही होगा कि आप अपना पासपोर्ट ले लें, क्योंकि अगर आप होम कंट्री से अभी पासपोर्ट रिन्यू करवाते हैं तो वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा. लेकिन अगर आप यहाँ आके ऑनलाइन पासपोर्ट रिन्यू करवाते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी. लाइक मैंने पिछले साल करवाया था तो मुझे जो है वो 100 यूरो देना पड़ा. इसके अलावा मैं बात करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स 1 साल का प्रोग्राम जिन्हें ऑफर हुआ है, अगर आपने 1 साल वाले कोर्स की ऑफर एक्सेप्ट कर दी तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आपको टैक्स आईडी नहीं मिलेगा. टैक्स आईडी नहीं मिलेगा तो आपको बैंक अकाउंट नहीं मिलेगा. बैंक अकाउंट नहीं मिलेगा तो आपको जॉब जल्दी नहीं मिलेगी. सो इट इज़ माई एडवाइस, डोंट एक्सेप्ट, डोंट इवन थिंक अबाउट एक्सेप्टिंग 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम ऑफर. अपना एडमिशन इस साल स्किप कर दें या इस साल आप यूके में जर्मनी में अप्लाई कर दें, लेकिन डोंट एक्सेप्ट 1 ईयर प्रोग्राम एडमिशन ऑफर. अभी मैं बात करना चाहूँगा अकोमोडेशन के बारे में कि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डाली हुई है. आप अकोमोडेशन के लिए यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करें, प्रोएक्टिवली जो है वो अकोमोडेशन बुक कर लें. अगर फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा नहीं लगता या कोई प्रॉब्लम होती है तो यूनिवर्सिटी की जो अकोमोडेशन आपने बुक की होगी आपने अगर तो पेमेंट कर दिया आपको रिफंड हो जाएगा. रिफंड इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फ्रॉम स्वीडन, दिस इज़ फॉर श्योर. तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि किस तरह की अकोमोडेशंस अवेलेबल हैं. जो लोग अकेले आ रहे हैं वो तो शेयरिंग में जो ऑलरेडी पाकिस्तानी या इंडियन रह रहे हैं उनके साथ भी रह सकते हैं. वो सबसे चीपेस्ट
जो है वो अकोमोडेशन होगी और उसकी प्राइस 2000 से 3000 के दरमियान होगी। ऑलवेज रिमेंबर यू नीड टू हैव एड्रेस, क्योंकि आपको मेल्स आएंगी, आपका एड्रेस रजिस्टर्ड होगा, फिर आपको टैक्स आईडी मिलेगा। तो जब भी आप किसी से शेयरिंग में बात करो तो आप उनसे ये कहो कि मुझे एड्रेस लाजमी चाहिए। जो स्टूडेंट डॉम है उसमें तो आपको एड्रेस मिलना ही मिलना है, लेकिन स्टूडेंट डॉम जो है वो 3000 मिनिमम 3000 की होगी और मैक्सिमम 5-5500 की होगी। मैंने एक स्टूडेंट डॉम की वीडियो बनाई है जो जर्मनी में मेरी स्टूडेंट डॉम है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उस वीडियो में जो मेरी अकोमोडेशन मैंने दिखाई है जहां अभी भी मैं बैठा हुआ हूं, ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट है और मैं इसका 400 पे कर रहा हूं। अगर ये ही स्टूडियो अपार्टमेंट जिसका मैं 400 पे कर रहा हूं छोटी सिटी में, अगर बड़ी सिटी में हो तो इसका 5-550 देना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट जो अकोमोडेशन है वो एक्सपेंसिव है, बट इट्स अ गुड ऑप्शन अगर आप अकेला रहना चाहते हैं। उसके बाद फेसबुक और एयरबीएनबी पे भी आप चेक कर सकते हैं। फेसबुक मार्केट पे आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आई मीन लाइक फेसबुक पे ये होता है कि अगर आप कुछ लोग इकट्ठे रह रहे हैं, लाइक 3-4 लोग कुछ काम कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो आप उनके साथ भी एक कमरा रेंट कर सकते हो, या एक कमरे में 2 लोग रह रहे होते हैं वहां पे भी बेड स्पेस ले सकते हो। दिस इज अनदर चीप ऑप्शन। इसके अलावा एयरबीएनबी जो है उसको आप एज ए लास्ट ऑप्शन रख सकते हैं। अगर आपको कोई अकोमोडेशन नहीं मिल रही और आप फॉर एग्जाम्पल अगले हफ्ते आ रहे हैं, तो आप एयरबीएनबी को देख लें। 1 महीने के लिए आप एयरबीएनबी को बुक कर सकते हैं एज ए लास्ट ऑप्शन, और जैसे ही आप स्वीडन पहुंचेंगे तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आप फेसबुक मार्केट को भी सर्च कर सकते हैं, आप ब्लॉकिट पे भी चेक कर सकते हैं, आप जो है वो यूनिवर्सिटी से भी बात कर सकते हैं। तो आपके पास एक्सेस होगी टू डिफरेंट ऑप्शंस, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अकोमोडेशन बिफोर लैंडिंग स्वीडन। तो लास्ट ऑप्शन जो है वो एयरबीएनबी को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अभी बात कर लेते हैं एम्बेसी के बारे में, कि एम्बेसी से एक बड़ी गुड न्यूज आई है। व्हेन यू आर अप्लाइंग स्वीडन यू नीड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आपने फीस पे करके सबमिट कर दिया तो आप क्यू में लग गए हो। अगर आप फीस नहीं पे करते और क्यू में नहीं लगते तो आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं काफी देर से कह रहा हूं के देयर विल बी अ सोल्यूशन, सोल्यूशन निकल आएगा। जैसे ये ईमेल मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एक स्टूडेंट को पाकिस्तान में जो स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद में है, उन्होंने बताया है कि आप अगर हमारा एम्बेसी का सारा सीन क्लोज रहा अंटिल योर वीजा एप्लीकेशन, उसके बाद जो अपॉइंटमेंट आती है तब तक, तो आप नियरेस्ट कंट्री में जाके वीजा अपॉइंटमेंट अटेंड कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई स्टूडेंट नहीं कह रहा, ये जो ईमेल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ये स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद की तरफ से है। इसके अलावा जो सिंगापुर में एम्बेसी है उसने भी जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि आप सिंगापुर में आके स्वीडिश एम्बेसी का इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं और उनके पास विजिट वीजे के अलावा कोई और वीजा है, फॉर एग्जाम्पल आप दुबई में हैं, वहां पे जॉब कर रहे हैं, तो आप दुबई के अंदर जो स्वीडिश एम्बेसी है उस वहां पे आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी और वहां ही आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे। जब आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करनी है तो उसमें ऑप्शंस आएंगे, आपने जो सिलेक्शन करनी है वो वहां के एम्बेसी की करनी है, यूएई स्वीडिश एम्बेसी, और अपना एड्रेस भी यूएई का डालना है। अगर आपके फैमिली मेंबर पाकिस्तान में है तो उन्हें जल्द से जल्द वहां बुला के आप उनकी भी अपॉइंटमेंट वहां से करवा सकते हैं। इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी पाकिस्तान की भी हो सकती है। इफ यू आर वर्किंग इन यूएई एंड यू वांट टू शो योर बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम योर पाकिस्तानी बैंक अकाउंट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मेरा अपना केस इस तरह का था कि मैं स्वीडन में जब मैंने सेकेंड एक्सटेंशन अप्लाई करनी थी तो मेरा, क्योंकि 1 साल के कोर्स पे गया था तो मुझे स्वीडन में बैंक अकाउंट नहीं था मिला, तो मुझे इंग्लैंड में जो है वो ऑनलाइन बैंक अकाउंट मिल गया था और उस ऑनलाइन बैंक अकाउंट की मैंने स्टेटमेंट जमा करवाई थी। और क्योंकि मैं स्वीडन में रह रहा था और मेरे पास तो वीजा भी नहीं था ना यूके का, फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। लेकिन आप लोगों के पास तो जो है वो दुबई का या किसी और कंट्री में जहां पे आप रह रहे हैं वहां का वीजा होगा, तो आप स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान की ही सबमिट करवा सकते हैं। आई होप आई हैव क्लियर्ड योर पॉइंट ऑन स्वीडिश एम्बेसी इशू। अभी ये इशू जो है वो सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, और जो स्टूडेंट है वो एक होपलेस कंडीशन में थे, उनको एक होप मिल गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल बी इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर वीजा एप्लीकेशन एंड ऑल्सो ट्यूटोरियल फॉर वीजा एप्लीकेशन। बाय बाय, टेक केयर।